नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 2021 के जो परीक्षा होने वाले हैं और बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी किया है। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है ये, और इसमें बता देना चाहते हैं आपसे कि ये जो प्रश्न पत्र होगा दो खंडों में होगा। पहला खंड होगा ए और दूसरा खंड होगा बी, ठीक है ना। इसमें से एक खंड में आएगा 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आपने 40 प्रश्न से ज़्यादा का उत्तर देते हैं तो शुरू से आपके 40 प्रश्नों को काउंट किया जाएगा और उसी को ही आपके उत्तर को मान्य होगा, ठीक ना। देखिए, और बी खंड में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान में, उसमें से दो सभी के लघु उत्तरीय प्रश्नों की अंक निर्धारित है, 2 अंक, ठीक ना। इसमें से इतिहास में 6 होंगे और 6 में से 3 का उत्तर देना है, और राजनीति विज्ञान में भी 4 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जिसमें से 2 का उत्तर देना है, अर्थशास्त्र में 4 प्रश्न होंगे जिसमें से 2 का प्रश्नों का उत्तर देना है, भूगोल में 6 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और आपदा प्रबंधन में भी 4 होंगे जिसमें से 2 का उत्तर देना है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे 4 नंबर के होंगे, और 7, 8, 13, 14, 19, 20 और 27, 28 क्वेश्चन नंबर पे ये रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के, और तो चलिए खंड अ का प्रश्न हम देखते हैं। इसमें से हमारा पहला प्रश्न होगा, हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन राष्ट्र में शामिल है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1815। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1913 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय यंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहासन किस देश का शासक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गोलघर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा FD रूजवेल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा बैंकिंग, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और शमेल किस उद्योग के केंद्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन एवं स्टील। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है, ठीक ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादनों एवं साधनों की आय, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो कृष्णा से, ठीक ना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो है आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केबल एवं टूट जाना, केबल का टूट जाना, ठीक है। बाढ़ क्षति पहुंचाता है, तो बाढ़ क्षति देखिए फसलों को भी पहुंचाता है, पशुओं को भी, भवनों को और उपरोक्त सभी को। तो इसको जो दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक ना। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्गों से, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव से बाहर खेतों में उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार, जिला परिषद या राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग। भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वो है राजस्थान, जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। भारतीय राजनीति के किस वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देश में अतिरिक्त आपातकालीन लागू हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य समुदाय कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगला प्रश्न, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदर टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विद्युत। पूर्व
मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेल। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वक्साइड। क्या? वक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। ठीक ना, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। लीची के उत्पाद के लिए बिहार में के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बचत। इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिविकर्ष। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। ठीक है, ने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ना, इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक ना, हमारा निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो हम पीछे भी देख चुके हैं, चावल जो है खरीफ फसल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में मुद्रा कला का शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन। क्या? कैक्सटन ने। ठीक ना, 61 नंबर प्रश्न है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। कौन सा? फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय की। ठीक ना, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना
की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1906। तत्श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सोनपुर में जो मेला लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी की मकबरा है। फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कार किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने। ठीक है, अगला दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1870। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीगेल कौन था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी दार्शनिक था। हीगेल एक दार्शनिक। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हनोई समझौता। किसका? हनोई समझौता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1905। अगला प्रश्न है, किसी भूकंपीय तरंग की गहनता मापने के लिए सबसे कम होती है? किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एस तरंग। कौन सा तरंग? एस तरंग। अगला प्रश्न है हमारा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97%। चलिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो 97%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन। गेहूं एक रबी फसल है। कौन सा फसल है गेहूं? रबी फसल। बलवंत राय मेहनता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आज हमने पूरे सोशल साइंस के 80 क्वेश्चन कर लिए, तो अगली बार हम मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक ना।